माय चैनल आ गई हूँ फिर से आपके पास शादियों का ब्लॉग लेके। अभी तक मैंने अपने चाचा की बेटी की शादी करा दिया, अपने बुआ की बेटी की करा दिया, और आज मैं आई हूँ अपने मामा की बेटी की शादी लेकर आप लोगों के पास। तो आज है उसकी लगन। अभी आप क्या तैयारी कर रहे हो लगन के लिए? तैयारी कर रहा हूँ। जाओ जाओ, मैं दिखाऊंगी ना। चाय अपना बना करके पीके फिर जाते हैं। हाँ, तो हम किसी भी फंक्शन में जाने से पहले ऐसे रेडी होते हैं। अपनी तैयारियों के बीच में मैं थोड़ी सी ना नेल पेंट लगा लूँ, क्योंकि वैसे मेरा हाथ देख के कोई कह नहीं सकता एक मिस का हाथ, मतलब एक फीमेल का हाथ है, ठीक है। और एक्सटेंशंस मैं लगवा नहीं सकती, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचते है कि थोड़ा सा नेल पेंट लगा के कुछ फेमिनिन लुक आ जाए इसके अंदर। बहुत ही बुरा अटेम्प्ट नेल पेंट लगाने का मेरा। इट्स टाइम अपने पेट को रेडी करने के लिए फॉर द फंक्शन। और ये हमारी मम्मी रेडी हो चुकी है। इनका ओरिजिनली प्लान तो था कि हमारे साथ जाएंगे, बट मामा जी को अपनी सिस्टर चाहिए थे, इसलिए मम्मी रेडी होके जा रही है अभी। आज है अनुज का लगन का फंक्शन, वो गांव में रहे, इसलिए मुझे अभी दिन में ही रेडी होना पड़ेगा। मतलब यार दिन में फंक्शन कौन रखता है? मुझे तो अभी सोच सोच के ही कि भाई रेडी होना, कपड़े पहने, गर्मी लग रही है। कोई नहीं है घर पे, तो सारा मेकअप क्या पहनना है कैसे पहनना है वो मेरे को खुद ही डिसाइड करना पड़ा। और देख लो अभी मैं इनडिसाइसिव हूँ कि इसका दुपट्टा मुझे कैसा लेना चाहिए, तो कुछ भी हो सकता है। नेल पेंट मेरी बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, एंड आई थिंक आई एम रेडी। ये देखना यहाँ ही लेटे हुए हैं, कोई वो ही नहीं है समय का कि भाई लेट हो रहे हैं। हेलो, चलो यार। चाचा कहाँ है? रम से चाचा, चाचा आप लड़कियों से भी लेट हो, ये क्या कर रहे हो? चलो। पहली बार इतने चांदने में प्रोग्राम के लिए निकल रही, इतना अजीब लग रहा है। और चाचा ने एक चलते चलते शायरी बनाई थी, चाचा वो आवड़ी वावड़ी को चाचा ने कसाना और छाबड़ी के उस पे एक और बनाई थी, बताओ चाचा। कसानों का कोई काम न होगा आवड़ी, जब तक न आएंगे छाबड़ी। चलो चाचा बैठो डिक्की में। चाचा पहले गुंडे थे, आप कहते थे सारे के सारे। बता रहा था कि चाचा पहले ना स्कूल में छोटे बच्चों से पैर दबवाते थे क्लास के अंदर। पलक छावड़ी क्यों सेव है, पलक बेटी क्यों नहीं है, ये बताओ। बिटिया रानी बेटी में मानता है ऐसी बात है चाचा कह रहे हो? यहाँ मैं चाचा के लिए चाय बनाती हूँ, चाचा को जब भी किसी चीज की जरूरत होती है मैं देती हूँ। चाचा कभी भी दुखी होते हैं मेरे को खुद ही एहसास हो जाता है, और यहाँ पे चाचा ने चाय बनाने के लिए भगोना दे देती है। पानी डाल लो, चीनी पत्ती ला लो। गैस आपको बताइए कहाँ से ऑन होती है। दिल्ली में इस टाइम पे इतने फ्लाईओवर्स और ये मेट्रो स्टेशन बन रहे हैं कि मुझे तो लगता है कुछ टाइम बाद दिल्ली का पूरा नक्शा बदल जाना है। पूरे रास्ते इन लोगों के फोन ही चलते रहे, कभी किसी का आ रहा है कभी किसी का आ रहा है, और हम एक भी गाना नहीं सुन पाए इन दो लोगों की वजह से। ये पता नहीं कहाँ कौन से सुनसान इलाके में वेन्यू बना रहे हैं। भाई ऐसा लग ही नहीं रहा। ओए, ये सारे मेरे मामा जी हैं, ये पापा है, ये चाचा है, बाकी सारे मामा जी हैं। चाचा हम लेट आए, जल्दी आए हैं। हम कल के आए, तो मेरे साथ ही आए हो। अरे यहाँ पे लेडीज ही नहीं दिख रही कोई। अनुज का ब्याह है, उसमें तो पहले आना था। मामा जी नमस्ते। ये आपने अलग अलग ग्रुप क्यों बना रखा है? एक स्वागत वहाँ करते हैं, एक स्वागत यहाँ करते हैं। अच्छा कि उधर स्वागत नहीं होता, जहाँ जाओगे वहीं स्वागत, हर मोड़ पे स्वागत। देखो भात की थाली है, और ये पटरा है, और ये भाताई है। तो आप थोड़ी ना लोगी, मम्मी थोड़ी ना लेगी। हाँ मेरे यहाँ पे मैं बस अकेली हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे साथ प्रैंक हो गया है। नाम बताओ सब। गोल्डी, सोरिया, परी, शिवानी, मेरा नाम वंस। इतना सोचना पड़ रहा है। हम जा रहे हैं कहाँ? ये बच्चे मुझे लेके जा रहे हैं फ्रूट्स, गांव के फ्रेश फ्रेश खेतों में से तोड़कर ये लोग लाए हैं। ये लोग लाए फ्रूट्स, अब देखते हैं कैसे होते हैं। जो दवाई मिलाई जाती है वो खुद ही बता रहे हैं, यहाँ के फ्रूट्स बहुत बेकार होते हैं।
ये कह रहा राइट, ये जो रेटू है ना ये अपनी रान खाता है, और गाइस ये जो लंकारी है ना ये अपने लंकारी खाता है। लंकारी चलो नए नए नाम सुनने को मिल रहे हैं। देखो कितनी फ्रेंडली प्लेस है, यहाँ पे डॉग्स को भी आने दे रहे हैं कि आओ भाई खाओ। बैग पाव भाजी देना। और उन्होंने मुझे देखा भी नहीं कि मैं किधर बैठी हूँ। हेलो, ओहो माँ बेटी का मिलाप हो रहा है हमें। तो वहाँ पर सारी लेडीजों को सीमित करा हुआ है कि वहाँ रहो, और यहाँ ये सारे जेंट्स लोग, इतने सारे जेंट्स लोग हैं उस हिसाब से लेडीज भी भरी रहनी चाहिए थी, बट यहाँ कोई भी लेडीज दिखी नहीं रही है। प्रियंका दीदी का मुझे लगता है हर फंक्शन में ऐसी अपनी चप्पल तोड़ेंगे, दिखाना हद है। क्या मजा आता है दीदी आपको ये करने में है? सबून है, मतलब कार्यक्रम अच्छा जाएगा। अच्छा, खुद का कार्यक्रम कराओ करके बाकियों का अच्छा करे। वाह, ये होता है असली इंसान। वर्गो वर्गो ट्रेड। ओहो अच्छा, वर्गो ट्रेड मतलब खुद का नुकसान हो जाओ, दूसरे का भला हमेशा करना है। खुद पिसते रहो पिसते रहो पिसते रहो जिंदगी, मगर दूसरों को सपोर्ट करते रहो। अब ये उस उम्र में पहुंच चुकी है, ये मम्मी वाली लाइंस है, बेटा हमारा तो क्या है। तो धीरे धीरे ये भी मम्मी बन जाएगी। वर्गो ट्रेड है भाई, पढ़ लेना। कोई नहीं, ठीक है छोटी मम्मी। बेचारे डीजे को तो ऐसे आइसोलेट कर रखा है, डीजे का हुक्का पानी बंद कर रखा है, ऐसा लग रहा है। आपको इग्नोर कर रहे हो आप दीदी को, पापा भी बताओ देख ही नहीं रहे दीदी की तरफ। ये कैसे, ये क्या भाजपा की मीटिंग हो रही है, हाथ मिला रहे हो। कितना मस्त लग रहा है। कहाँ गई दिल्ली वालों को चैलेंज, अगर हिम्मत है तो पूरा पेटी दिखाओ हम पेटी पूरी। दो बैग ले लेना, अभी तो यूपी शुरू हुआ भी। दो पैग लगा लेना तो दिल्ली मम्मी एक हो जाएगी। चाचा एक बढ़िया सी लाइन बोल दो फिर चलेंगे। आंटी देख लो क्या हो रहा है यहाँ पे। Enjoying your chowmein? Very much, एकदम spicy, unexpected था ये तो। हमारे यहाँ भी इतनी अच्छी नहीं बनती। वाह मामा जी कमाल कर रहा है। जो देखो लाल लाल में दिख रहा है ना, वो है मेरा भाई और दूल्हा। ये हलवाई अंकल है, अपनी फुल इन्होंने आउटफिट पहन रखी है, गांव में शेफ ऐसे ही होते हैं। ये जो आप भीड़ देख रहे हो ना, इसका कारण एक ये भी है कि गांव में लोग लगन वाले दिन ही रिसेप्शन कर लेते हैं, इसलिए लोग और होता रिसेप्शन क्या है, मुंह दिखाई होती है। ये बिना इतनी खुशी है इनको। सही है भाई, ये सही है। लेडीज एंडेंजर्ड स्पीशीज लग रही है यहाँ पे, सिर्फ हम है और ये थोड़ी बहुत है। अनुज एक्साइटमेंट दिखाओ यार, थोड़ी सी आपकी शादी होने वाली है भाई। ध्यान से बताओ। मामा हरो ने बारात का भी वेट नहीं करा, इतनी खुशी। ये लोग तो जल्दी विदा ले रहे हैं, इनको विदाई भी मिल गई 500 का। अब मैं देखूंगी मुझे कितना देती हो। अभी तो खाली हाथ ना जाए। नहीं नहीं, अरे अच्छा ये असली विदाई नहीं है। ओ भाई साहब लॉटरी। दूल्हा अकेला मिल गया है। अनुज कैसा लग रहा है तेरी फाइनली? नॉर्मल। तेरी शादी होने वाली कुछ अंदर से? नथिंग स्पेशल, सोने की चेन पे फोकस कर इसकी, ठीक है? सोने की चेन दिखा थोड़ा सा। ओह माय गॉड, यहाँ
यहाँ बीच फंक्शन में और बीच गार्डन में ये कुछ बड़ी बूढ़ियों उन्होंने अपना हुक्का पानी बिछाया हुआ है, सामान का ध्यान रख रही हैं और थोड़ा थोड़ा हुक्का पिए जा रही हैं यहाँ पे। हमारे चाचा की हालत थोड़ी खराब हो गई। चाचा मैं डाल दूंगी, ये सारी डलेगी, ये सारी डलेगी भाई, वो सोडा कम था। रमसे चाचा आपको तो पता होना चाहिए, आप तो बचपन से आ रहे हो यहाँ पे। ये और क्या चाचा, तो ये कहते कि मैं बचपन से आ रहा हूँ। बचपन का रास्ता बचपन में थोड़ी। आज दिल्ली से जिस एक बंदे की चर्चा अब हो रही होगी वो है रमेश छावड़ी जी। यस, मतलब सब मेरे से आके इनका नंबर मांग रहे थे। मैंने कहा एक नंबर कम देना। कहते यार ये बंदा बड़ा औसम है यार। सीधा हम घर नहीं आए हैं, हम आए हैं आईजी स्टेडियम। देखो भैया एक फंक्शन खत्म हुआ नहीं, पापा और चाचा रेडी हो चुके हैं दूसरे किससे बात कर रहे हो? चाचा कम से कम लोगों का तो वेट करो। हिंदू नंबर मना रहे हैं हम। अच्छा सारे पुजारी वजारी इकट्ठे होके यहाँ पे नववर्ष सेलिब्रेट करेंगे, हिंदू नववर्ष। सही पलक जी, आप कैसे, आपका आना हुआ? अपने पिताजी के साथ आई हूँ। आई हूँ यहाँ तो दिख नहीं रहे, कहाँ है? बोले पापा बोले, इनकी मीटिंग चल रही है तो अभी मैंने उनको थोड़ा समय दिया हुआ है कि आप प्राइवेटली बात कर लीजिए। इतने मैं जो भी लोग हैं जिनको काम बतानी, ये गाड़ी उधर करो। चलो, अरे ये यहाँ पे बैनर लगेगा? लगेगा जी, लगेगा। देखा था। और अंदर हो रखी है भाई भीड़। पापा तो भाई पता नहीं कहाँ ही पहुँच गए, कितनी तेजी में चलते हैं यार पापा। चाचा ओ भाई कितना मस्त लग रहा है ये भाई, ऊपर से जाला मकड़ी का स्टील का। पापा भूल गए कि उनकी एक बेटी या दो भाई है जो उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। सस्ता कुतुब मीनार, जिन लोगों पे पैसे कम हो वो यहाँ आके देख सकते हैं। और पहुंच गए हैं हम अपने घर, और दुख मुझे बस इसी बात का है कि मेरी एक भी फोटो ना किसी ने ली और जो आई वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई। तो अभी मेरे पास मेकअप उतारने के बाद फोन में देखने के लिए कुछ भी नहीं है। चाचा अगली बार ध्यान रखना यार कि मैं जब तैयार श्यार हूँ तो फोटो वोटो लेनी होती है मेरी, ठीक है? मिलते हैं आपसे अनुज की शादी में, तब तक के लिए बाय बाय कर रहे हैं। पापा बाय बोलो। बाय बेटा।